स्वागत so, hey आपका एक बार फिर से आप ही के YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे को HM लेकर HM, जो एग्रो इंडस्ट्री कंपनी है इसके अंदर आज के दिन आप लोग देखोगे लगभग नाइनटी रुपए का जो ना अभी बिग फॉल नाइन्टी परसेंट का नहीं रुपए कासेंट का बिग फॉल आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है सात सौ सत्तर रुपए के भाव वाला शेयर था सात सौ रुपए के आसपास का भाव था स्टॉक का कल प्रीवियस क्लोजिंग की अगर बात करें तो लगभग सात सौ चौसठ रुपए के आसपास सौ सात सौ सत्तर के आसपास और वहां से अभी के टाइम में आप लोग देखोगे सेवेंटी सेवन के भाव में आया हुआ है इतना बड़ा फोर नाइन्टी परसेंट का आखिरकार क्यों हुआ इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और आगे जो ना क्या स्टॉक में अच्छी खासी रैली बन सकती है या फिर नहीं क्या यहाँ से स्टॉक को परचेज करके चलना सही रहेगा या फिर नहीं बहुत सारे निवेशकों के कमेंट है तो चलिए जानते डिटेल में सबसे पहले आपको बताते हैं आखिरकार गिरावट क्यों हुई है आज के दिन आपको पता होगा भी जो एच एम एग्रो इसके लिए क्या दिन था आज के दिन कंपनी ने दिया अभी सप्लिट स्पिट दिया और स्पिड किसी रेशो में दिया है टेन रेशो वन में अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर था पहले सात सौ रुपये के भाव में छः सौ के भाव में जो भी भाव आपने खरीदा ऊपर के भाव में खरीद रखा था ठीक है उसके बाद आप लोग देखो कि आज से पहले जब कभी भी खरीदा हो तो आपके पास एक शेयर था तो वो एक शेयर जो है भी दस शेयरों में कन्वर्ट हो गया है ठीक है यानी कि दस शेयरों में कन्वर्ट हो गया है एक शेयर तो उसका जो ये एक शेयर है ना भाई ये तो आपके डीमेट अकाउंट में है लेकिन इसके आ, अलावा जो आ, और शेयर आने थे ठीक है वो आपके डिमिट अकाउंट में नहीं आए हैं यानी कि नौ शेयर और आने थे ना टोटल एक शेयर शेयरों के बराबर हो गया तो दस शेयरों में से एक शेयर तो आपके पास पहले से है लेकिन नौ जो शेयर है ना वो अब तक आपके डिमिट अकाउंट में नहीं आए हैं इसीलिए आप लोग देखोगे भी ये नाइनटी का फॉल आपको दिखाई दे रहा है एक स्टॉक के पीछे जैसे ये नौ शेयर और एड हो जाएंगे ना आपके डिमिट अकाउंट में तो आपका ये लॉस भी कवर हो जाएगा तो इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना कि स्टॉक में फॉल बन गया है क्यों बना है इसके पीछे का रीज़न आपका क्लियर होना चाहिए तो यहां पर आपका जो कुछ भी कारण था उसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ है ना अब हम डिस्कस करते हैं क्या यहाँ से स्टॉक में जो ना भी अच्छी खासी रैली बनेगी या फिर जो ये स्प्लिट शेयर है वो कब मिलेंगे स्प्लिट शेयर कब मिलेंगे ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सवाल तो स्प्लिट शेयर आपके डीमिट अकाउंट में देखो भाई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो आपको करनी पड़ेगी और फिर आपको जो ना है शेयर मिलेंगे एक से दो वीक के अंदर अंदर कंपनी ऑटोमेटिकली आपके डीमिट अकाउंट में ये शेयर जो ना ना क्रेडिट कर दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से तो इसको लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है अब यहाँ से क्या ये रैली ऐसी बरकरार रहेगी ऊपर की तरफ या फिर नहीं तो चलिए जानते हैं डिटेल में तो यहाँ पर आप लोग देखोगे फूड एंड बेवरेजेज टोबैको कंपनी है ठीक है और यहाँ से स्टॉक में आज के दिन गिरावट के बाद जो शेयर है वो आप लोग देखोगे भी डेढ़ परसेंट के आसपास तेजी में हमें अभी टाइम दिखाई दे रहा है ठीक है और जो वॉल्यूम आई है आज के दिन वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई आई है लगभग तीन लाख तिरतालीस हज़ार के करीब की वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है और आज के दिन आप लोग देखोगे भी इसने जो ना स्प्लिट दिया है उनतीस तारीख को इसी वजह से जो स्टॉक है वो टूटा है ये आपका जो ना क्लियर हुआ अभी यहाँ से आप लोग देखो कुछ एक फंडामेंटल कैसे हैं स्टॉक

ठीक है ज़्यादा भी पैसा नहीं लगाना चाहिए भाई ऐसे स्टॉक्स में यो पीछे लगातार जो अभी एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने निकाल कर दिया है बहुत तेजी स्टॉक में बनी है लेकिन आज जो स्टॉक में ये फॉल बनाना है भाई ये स्प्लिट की वजह से आई होप आपके सारे डाउट जो है ना स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो और ऊपर में टारगेट्स की अगर बात की जाए तो ये शेयर में भी यहाँ से आपको जो है ना नाइन्टी से हंड्रेड रुपये तक के मूव दिखा सकते हैं क्वार्टर थ्री रिजल्ट के दौरान ठीक है और आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक चलाई बहुत अच्छी बात है रिटर्न आपके सामने हैं वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ और वन ईयर के एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो